अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? अनम्यूट योर माइक स्पीचर चैट बॉक्स इसमें नहीं लिखेगा क्योंकि इसमें से मेरे का ओपन नहीं हो रहा। आज ऑस पे डिस्कशन करनी है। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि आप लोग को जनरल वर्क का बताना है। हम लोगों ने प्लान ये किया था कि हम इस वीक आप लोगों को कॉलेज में करवाएंगे, बट कॉलेज में ऑन क्लासेस नहीं हो रही थी, यूरोज नहीं हो रहे थे, वरना हम आपको यहीं पर करवाते जैसे हमने कहा था। अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जो जिसकी प्रेजेंटेशन थी जिस ग्रुप की, ठीक है, सबसे पहले आप वो प्रेजेंटेशन अपने जर्नल में लिखनी है। लेट सपोज कि फर्स्ट ग्रुप था गोबिन के साथ, ठीक है, गोबिन एंड जो उनके साथ में थे और मेंबर्स ग्रुप के, ठीक है, तो उन सब ने क्या करना था कि आपका जो भी टॉपिक है तो तीनों वो टॉपिक अपने जर्नल में राइट डाउन करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज के एपी का लेक्चर एंड बायोस्टैटिक्स का लेक्चर, ठीक है, ये दोनों लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आप लोगों ने सब ने अपने जर्नल्स में ये काम करना है, अपने अपने प्रेजेंटेशंस एंड दो टॉपिक्स, ठीक है, इनकी स्लाइड्स हम दे देंगे आपको और वो आप लोग अपने जर्नल में लिखनी है। और फिर जिस दिन जो हम आप लोगों को डेट बताएंगे आपने उस दिन ला के सबमिट कराना, ठीक है। क्लियर है सबको? जी बच्चे, हम उसमें से खुद ही से जो है ना वो कुछ स्लाइड्स जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें से खुद ही से निकाल के आप लोगों को सेंड करेंगे। सो जो भी जितना भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वो सारी स्लाइड्स आप लोगों ने अपने जर्नल में लिखनी है, ठीक है। और किसी को ना समझ आया तो अभी पूछ ले, ठीक है। क्लियर है सबको? अपने जर्नल्स में आप लोगों ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस लिखनी है ग्रुप की एंड बायोस्टैटिक्स का लेक्चर एंड एपी का लेक्चर जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आप लोगों ने लिखना है और जो डेट हम बताएंगे ड्यू डेट उसमें आके आप लोगों ने सबमिट कराना होगा, ठीक है। ओएसपी के लिए आप लोग कह रहे थे, ठीक है। जी बच्चे, मैं इसमें कह रही हूँ कि हमने जो वो उसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए जो हमने पीपीटीज बनाई थी वो हमें पूरी एग्जैक्ट उस पे कॉपी करनी है। जी अच्छा, और सिर्फ अपना पार्ट, जैसे अगर ग्रुप प्रेजेंटेशन थी जो हमने पार्ट किया था वो हमें लिखना होगा या पूरी प्रेजेंटेशन? नो बच्चे, ओवरऑल पूरी प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब जो पूरी ग्रुप की प्रेजेंटेशन थी वो आप लोगों ने अपने जर्नल में लिखनी है, सिर्फ अपना पार्ट नहीं लिखना है एंड दोनों लेक्चर्स लिखने हैं जो हम आपको जिसकी स्लाइड्स प्रोवाइड करेंगे। हमें और भी सारा काम करवाना था जर्नल्स में, बट अनफॉर्चुनेटली कि आप लोग का ऑफ हो गया, फिर आपके ऊपर बर्डन इतना था जब आप लोग आ रहे थे, सो उस सब चीज़ों को छोड़ के बस आप लोगों ने ये तीन चीज़ें अपने जर्नल में लिखनी है, ठीक है। ओके, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑस्पी डिस्कशन करते हैं। लास्ट दो दफ़ा जो आप लोगों की टर्म वन एंड टर्म टू में हो चुकी है, हम उसको साथ साथ ही जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। और पैटर्न आप लोगों को पता है, पिक्चर होती है, उसके नीचे आइडेंटिफाई का क्वेश्चन होता है एंड उसके नीचे दो और क्वेश्चन होते हैं जिनके उनसे रिलेटेड आपने आंसर दिए होते हैं, उसी से रिलेटेड ऊपर पिक्चर होती है, ठीक है। अभी जो प्रैक्टिस करा रही हूँ, अभी जो हम डिस्कस करेंगे इसमें पिक्चर्स नहीं है, बट क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड जो है वो हम कोई भी पिक्चर डाल देंगे, लेकिन क्वेश्चंस उसके क्या होंगे या क्या होते हैं या क्या आंसर है वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बेल वाली कौन क्या पूछ रहा है? अच्छा, घर में बात कर रहे हैं तो अपने माइक म्यूट करके बात कर लें और फिर वापस उसको अनम्यूट कर दें, ठीक है। Define and classify dental auxiliaries with example. बहुत दफ़ा कर चुके हैं ये, बहुत दफ़ा ऑस्पी में भी आ चुका है, ट्यूटोरियल सेशंस में भी हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, पूछा भी है। तो auxiliaries को डिफाइन करना है एंड क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है।
एग्जाम्पल्स लिखती हैं तो उनके नाम लिख दीजिएगा, ऑपरेटिंग कौन कौन से होते हैं एंड नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं. ठीक. एक्सप्लेन द ड्यूटीज दैट आर कैरीड आउट बाय द डेंटल ऑक्सिलरीज विद एक्सपेंडेड ड्यूटी फंक्शन. तो इसमें आपने एक्टा यानी एक्सपेंडेड फंक्शन डेंटल ऑक्सिलरीज जो है उनकी ड्यूटीज लिखने हैं. नोट्स में, लेक्चर नोट्स में, आपकी बुक में इतनी लंबी लिस्ट है इनकी ड्यूटीज़ की. ठीक है. इसके अलावा आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 में बॉक्स है, उसमें इनकी ड्यूटीज समराइज करके लिखा हुआ है, तो वहाँ से वो बॉक्स याद कर सकते हो पूरा. अदरवाइज लेक्चर सेम वही बॉक्स कॉपी हुआ हुआ है, वहाँ से आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं. ठीक है. ये ईजी था, बहुत दफ़ा बता दिया है. नेक्स्ट है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, कौन कौन से होते हैं जल्दी से बता दें. एक्सीलेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ठीक है. बताने के लिए कहे आप सबसे मैंने, या मैं नाम लिखे फिर पूछूं तो ही बताएंगे आप लोग. नेक्स्ट है, क्लासिफाइड डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन. इसमें आपके पास इस तरह भी आ जाता है, अलग अलग से भी पूछ सकते हैं आपसे, डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया या एनालिटिकल पूछ लिया, या फिर हम सिंपली आपको एक क्वेश्चन दे देंगे क्लासिफाई एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, तो आपने उसको क्लासिफाई करना. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल कौन कौन सी होती हैं और जो उनके नाम हैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सर ने अपने लेक्चर्स में आपको बताया, तो आपने इस तरह लिखना. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है एपी, बायोस्टैटिक्स, इसके बहुत सारे बीसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेजर पोर्शन इससे आता है एग्जाम में एंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इम्पोर्टेंट. ठीक. एक्सप्लेन द रोल ऑफ डाइट एंड डेंटल केरीज. क्या रोल होता है डाइट का, किस तरह की डाइट लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं केरीज डेवलपमेंट के, क्या है, बहुत अगेन बहुत डिटेल में बहुत दवा रिविजन कराया है, सो इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई कन्फ्यूजन अब होगी. स्टेट द अर्ली थ्योरीज ऑन डाइट एंड केरीज. कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं हमारे पास, मुझे बताइए. शजा अल्ताफ, शजा आप रोल नंबर 52, आपको आवाज आ रही है मेरी? शिजा जैनब रोल नंबर 62, जैनब आप प्रेजेंट हैं? अनम्यूट करें माइक्रो एंड आंसर. क्या पूछा है मैंने? जो आंसर नहीं करेगा तो मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी. बहुत दफा ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ. मैम, तुर्कू शुगर स्टडी, हॉबी हाउस स्टडी, वो अपना नाम बता दे पहले. मैम अस्सलाम वालेकुम, नेहा. वालेकुम अस्सलाम जी. बच्चे बताइए. तुर्कू शुगर स्टडी, हॉपवुड हाउस स्टडी, विप्लोम स्टडी, अर्ली थ्योरीज की बात हो रही है या फिर स्टडीज की बात हो रही है? क्या बताएंगे इसमें, यही बताना है, यही सही जवाब है इसका. कौन कह रहा है? यस. यास्मीन रोल नंबर 27. बच्चे बताइए. दो चीज़ें आप लोगों ने अभी पढ़ी हैं, फिर वो तो बिल्कुल सही नहीं आती होंगी आपको.
दुआ शाह है पहला बच्चा आप बताइए मिस मिलर्स थ्योरी एक्सेलेंट बच्चे जब दोनों का डिफरेंस बताया कि कौन सी थ्योरीज हैं कौन सी स्टडीज हैं फिर इतनी कंफ्यूजन किस बात की है अभी जो आप लोग बताए वो स्टडीज थी ठीक है नेहल ने आंसर जो थी स्टडीज बताई थी वो ठीक बताई थी लेकिन मैं थ्योरीज की बात कर रही हूँ ठीक है वो पूछ रही हूँ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर पेरियोडोंटाइटिस मरियम उमराव मैम स्मोकिंग टोबैको च्यूइंग एल्कोहल कंजम्पशन पुअर ओरल हाइजीन जिंजिवाइटिस एंड पुअर डाइट बीटल नट च्यूइंग और कैल्सियम डेपोजिशन डायबिटीज सिस्टमिक डिसऑर्डर्स ओके वैसे हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर्स को दो तरह के होता है ना कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं कौन बता रहे हैं बरीरा यस मिस बरीरा ओके अली आप बताइए और इसके अलावा कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं अरसलान अनम्यूट एंड आंसर खतीजा बस एज होती है जेंडर होता है जेनेटिक्स होता है लोकल फैक्टर्स होता है एक डेमोग्राफिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं एंड एक लोकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं लोकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसमें डेमोग्राफिक में जो आपने जेनेटिक्स आ जाता है और लोकल रिस्क फैक्टर्स न्यूट्रिशन से है न्यूट्रिशन डाइट वगैरह गुड तो जब मैं पूछ रही हूं और आंसर आता है तो क्यों नहीं बताना अली शेर आप सुन रहे हैं आवाज आ रही है आपको जी मैम सुन रहा हूं मैंने आपसे क्वेश्चन किया था तो आंसर बताना था ना तो तब नहीं सुना था मैम ओके अहमद बिल सलाम अतिया ईशा सलीम फैज ये आप लोग सब ऑनलाइन है और कोई भी प्रेजेंस नहीं है यहाँ yes, मैम तो जब मैं पूछ रही हूँ तो जवाब नहीं देना सिर्फ अटेंडेंस के टाइम पे आप लोग के माइक अनम्यूट होते हैं और यस मैम की या यस सर की आवाज आती है दैट्स इट पागल हैं हम इतनी देर से पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं देना नहीं अब आगे आंसर करना है ना तो मैंने नहीं आगे कंटिन्यू करना ठीक है रिस्क फैक्टर्स के बाद आपके पास आ गए की कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर कौन कौन से होते हैं जी फैज बताइए जी मैम रिपीट करें की कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर कायनात रोल नंबर 10
जी मैम बताइए. प्रिवेंशन, स्कैनिंग, डायग्नोसिस.